गाजी कश्मीर अलखाज मोहतरम मास्टर फकीर मोहम्मद मरहूम के साहबजादे डॉक्टर रजा अहमद गोरसी एक्सीएन बरकियात फारूक अहमद गोरसी एक्सीएन इजाज अहमद गोरसी डॉक्टर जमील अहमद गोरसी कर्नल अश्तियाक अहमद गोरसी डिप्टी डायरेक्टर QEC मस्ट यूनिवर्सिटी मीरपुर निसार अहमद गोरसी इफ्तखार अहमद गोरसी और डॉक्टर सईद अहमद गोरसी के भाई रिटायर्ड सेक्रेटरी बरकियात मुश्ताक अहमद गोरसी रिटायर्ड चीफ इंजीनियर तुफैल गोरसी रियाज अहमद गोरसी के चचा जाद भाई बैरिस्टर शफीक अहमद गोरसी जो के बरतानिया में इंतकाल फरमा गए थे। मरहूम की नमाज जनाजा आज खुरेटा सीहोर बेला के मुकाम पर अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में बड़ी तादाद में सियासी और समाजी मजहबी और दीनी शख्सियात और बड़ी तादाद में आवामे इलाका ने शिरकत की। इस मौका पर मरहूम के बुलंद दर्जात के लिए अल्लाह के हुजूर दुआ की गई। अल्लाह ताला से दुआ है कि मरहूम की बख्शिश फरमा कर जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। ये कोई नहीं समझे कि मुझे अल्लाह बख्श देगा, उम्मीद रखनी चाहिए। देखो कुरान मजीद के अंदर और नबी पाक ने अपनी सीरत के अंदर ये सबक दिया है, अगर तुम बचना चाहते हो अधाने कबर से, अगर तुम क़यामत के दिन अल्लाह से बख्शे की उम्मीद रखना चाहते हो तो उनका तरीका ये है, आप नमाज पढ़े, आप कुरान पढ़े और कुरानी तालीमात के मुताबिक अपनी जिंदगी बसाते रहे। उसी शख्स ने नमाज दुनिया के अंदर नहीं पढ़ी, उसको कोई पता नहीं कि दौर क्या है, असर क्या, मतलब क्या है। वो खुद सोच ले, क्या फ्रेश आएंगे, बिठाएंगे, वो जो सूरज गुरूब हो रहा है ना, वो कहेंगे कि उठो, अगर उसने नमाज नहीं पढ़ी तो वो खुद मौके से फायदा नहीं उठा सकेगा। तो मैं गुजारिश करता हूँ, नमाज पढ़िए और नमाज के बगैर कोई चारा काम नहीं है। अल्लाह की रहमत आएगी तो नमाज की बरकत से आएगी, अल्लाह की मेहरबानी आएगी तो नमाज की बरकत से आएगी। जिस नमाज से हम बांटते हैं अल्लाह हमें अपने जनाबा बबाती खुद एक दावत है, एक तबलीग है और एक दावत फिक्र है कि आज किसी का जनाजा हम उठाएंगे तो
तसव्वुर कर लेना चाहिए कि कल को मेरा भी उठाएगा। हजरत मोहतरम आज ये तसव्वुर कर लेना चाहिए कि आज किसी पर हम मिट्टी डाल रहे हैं, कल को हमारी कब्र पर मिट्टी डालेगा। तो यही हजरत मोहतरम हम सब के लिए, बल्कि आगा अपनी मौत से कोई नसर नहीं, सामा 100 बरस का कल की खबर नहीं। हजरत मोहतरम आज बैरिस्टर साहब का जुमे के दिन विशाल हुआ, यकीन कुबला का साहब ने इस तरफ जरूर इशाब फरमाया होगा, लेकिन ये याद रखने की है कि जो शख्स जुमे के दिन मुसलमान मोमिन मर्द औरत बच्चा बूढ़ा जवान फौत हो चाहे, सैयद अय्याम की बरकत से उसकी पहचानी के दिन तो मोहब्बत जनाने का टाइम हो गया, सब सब आदमी जो है आपके सफर में चले गए, सफर में चले गए, सब आदमी सफर में चले गए। मोहम्मद शफीक साहब रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह ताला करवट करवट रहमत फरमाए, हम सब उनके जनाजे के लिए हाजिर हैं, अल्लाह सुना हम सब की हाजिरी भी कबूल फरमाए। और उनके भाई डॉक्टर जमील साहब ये बयान कर रहे थे कि दो महीने पहले शफीक साहब ने ये जिक्र किया डॉक्टर जमील साहब से, जब मेरा वक्त आ जाए पीछे तो मेरी नमाज जनाजा पढ़ाए, उनको ये कह दें कि तमाम दोस्तों ने ऐलान करें कि मेरा चेहरा तो लोग देख सकते हैं लेकिन मेरी तस्वीर ना बना। तो जब मरहूम की ये वसीयत है तो तमाम अजीजों अकारब और दोस्तों को इसके ऊपर हमें अमल करना चाहिए। अल्लाह ताला उनकी मगफरत फरमाए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफा नसीब फरमाए, अपनी जारी रहमत की जगह अता फरमाए, और हम सब को भी अल्लाह ताला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए और हम सब का खात्मा ईमान पर फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और मैं तमाम अहबाब का जो मुल्क के कोने कोने से अहबाब जो है तशरीफ लाए हैं, हर तरह अब आप जो है वो पांव से जूते उतार दें, जिसके पास कपड़ा है इधर आइयो, नमाज जनाजा की जो है वो नहीं कर।
सारे दोस्तों ने जो कलामे पाक पढ़ा है साले स्वाद के नियत से मेरे लिए कर दें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मोहम्मद व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मोहम्मद व आलि सल्लम अलैहि या इलाहुल आलमीन तेरे फजलो करम से सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीला जलीला से हम सब ने बरादर मोहम्मद शफीक की नमाज जनाजा पढ़ने की सआदत हासिल की। इलाही हम सब की पढ़ी नमाज कबूल व मंजूर फरमा। जो तमाम दोस्तों ने बुजुर्गों ने कलाम पाक पढ़ के साल सवाब के लिए मेरे मिनत किया, इलाही इस तमाम कार्य खैर का सवाब आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिया में हदीजतन तोहफतन पेश करते हैं, अल्लाह कबूल फरमा। आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीला जलीला से तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम की बारगाह आलिया में हदीजतन तोहफतन पेश करते हैं, अल्लाह कबूल फरमा। आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीला जलीला से तमाम सहाबा इकराम तमाम अज़वाज मुतहरात तमाम औलिया इकराम तमाम शुहदा हुसैन और आदम अलैहिस्सलाम से लेके आज तक तमाम कलमे हक कहने वाले दुनिया से चले गए, इलाही उनकी पाक दुआ को साले सवाब करते कबूल फरमा। बिलखसूस बिलखसूस मरहूम के वालिद माजिद हजरत मास्टर फकीर हुसैन साहब रहमतुल्लाह अलैह के रूहे पाक को साले सवाब करते अल्लाह कबूल फरमा। इस खानवादे के तमाम बुजुर्ग दुनिया से चले गए, उनकी पाक रूह को साले सवाब करते हैं कबूल फरमा। मरहूम की नमाज जनाजा में शिरकत करने वाले तमाम अहबाब के अजीज व अकारब अबाव अजदाद जो दुनिया से चले गए, इलाही उनकी तमाम पाक रूह को सवाब में शामिल करते हैं कबूल फरमा। और बतौर खास सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीला जलीला से मरहूम मोहम्मद शफीक साहब की रूह पाक को साले सवाब करते हैं, कबूल फरमा। या इलाहुल आलमीन मरहूम का अगला सफर आसान फरमा, नकीरैन के सवालों का जवाब आसान फरमा। आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत के वक्त सलातो सलाम पढ़ते इस्तक़बाल की तौफीक अता फरमा। मरहूम की कब्र को हद्दे निगाह तक वुसअत अता फरमा। जन्नत की ठंडी हवाओं से नवाज, जन्नत की ठंडी हवाओं से नवाज, जन्नत की ठंडी हवाओं से नवाज। इलाही दुनिया में कोई गलती कोताही अगर हुई तो अपने फजल व करम से माफ फरमा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीला जलीला से माफ फरमा। हम सब के उठे बच्चों का सदका माफ फरमा। आका जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात नसीब फरमा। आका अलैहिस्सलाम की शफात नसीब फरमा। आका अलैहिस्सलाम की शफात नसीब फरमा। रब्बाना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरत हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार व क़िना अज़ाबल-क़ब्र व क़िना अज़ाबल-हश्र व क़िना अज़ाबुल-मीज़ान। रब्बाना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम सल्लल्लाहु अला ख़ैरि ख़ल्क़िही व ज़ीनति फ़र्शिही सय्यिदना मुहम्मदिन व आलिही व सहाबिही अजमईन।
कभी तू